हेलो फ्रेंड्स, अखिल पांडे शो 2.0 में आपको स्वागत है। दोस्तों, हम रॉकी स्टार यश के केजीएफ मूवी से सीन्स पे रिएक्शन दे रहे हैं। काफी सीन्स पे रिएक्शन दे रहे हैं दोस्तों, हम कोई भी सीन मिस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हर सीन में कुछ ना कुछ अच्छा डायलॉग है, या तो कॉमेडी है, इमोशनल है, या कुछ फाइट सीक्वेंस है। अच्छा, बट कुछ ना कुछ हर सीन बिल्डअप वाला है पूरा। एक लाइक स्टार्ट से एंड में हमेशा एक सीन का एक एलिवेशन होता है, फिर वो ऐसा होता है, तो वो इतना एक और नया स्टार्ट हो जाता है। तो वैसा है तो दोस्तों, एक भी सीन मिस करना नहीं हो रहा है। हम जो आखिर का सीन दिए थे दोस्तों, वो गरुड़ा स्टैचू सीन था। उसके एंडेंड में वो जबरदस्त सीन था दोस्तों। उसके एंडेंड में हम ये देखते हैं कि उसका फिर से जो बचपन का जो हाथ उठाया होता है, और ये फिर से रॉकी यहाँ भी फिर से हाथ उठाए, कौन जाएगा वहां पे उसको मारने के लिए गरुड़ा को, जिसके लिए सब डर रहे हैं कि वहां पे तो नहीं जाना है कोई भी हालत में। ये हाथ उठाता है, तभी हमको ये देखना है कि वो जो बात हो रहा है केजीएफ के बारे में, जो फील्ड है आई गेस, जो कोलूर गोल्ड फील्ड्स, उसमें कैसे जाएंगे और क्या होने वाला है उसके बाद का जबरदस्त सीन सब को देखने मिलेगा। आपको मालूम है दोस्तों, केजीएफ के अंदर जब वो घुस जाते हैं, बहुत मासी सीन सब है, जबरदस्त सीन सब है पूरा। तो अभी तक हमको वो भी देना बाकी है। तो दोस्तों, ये देखते हैं ये जो केजीएफ एंटर वाला सीन, जो बाइक सीन है, बाइक फाइट सीन है, ये कैसा रहेगा। तो दोस्तों, आइए ये सीन देखते हैं, अपना रिएक्शन देते हैं। आइए दोस्तों। मुझे ये सब क्यों मां? मैं भगवान को नहीं मानता। अच्छा, मुझ पर तो भरोसा है ना? चुप हो। इसे कभी भी खोना मत। इसको देखा जा रहा है, ये अंदर से कोई मिल रहा है। ये लो नक्शा, वहां जाने के बाद हमारा कॉन्टैक्ट टूट जाएगा। इस नक्शे में सिर्फ आधी इंफॉर्मेशन है, बाकी तुम्हें वहां जाकर खुद पता लगाना होगा। जब तुम्हारी तैयारी हो जाए, मुझे एक सिग्नल देना। धमाकेदार, उस जगह तक पहुंचने का बस एक ही रास्ता है। जॉन एक गाँव में अपने ट्रक लेकर जाएगा और जबरदस्ती लोगों को ट्रकों में भरेगा। तुम्हें बस उस ट्रक तक पहुँचना है। याद रहे, वो गाँव चारों तरफ से ट्रेन के लहर से घिरा हुआ होगा। तुम्हें उन्हें पार करना ही है। कुछ पता चला? ए छोटू, छठे भाई के लिए गरम चाय लेके आ रहे। पापा, रॉकी कहाँ गया है? कुछ पच्चीस साल से उनके लिए काम कर रहा हूँ, फिर भी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अंकल, आप बताओगे या मैं बताऊँ? उनका ठिकाना एक घना जंगल है। अरे भैया, इसका आशिक जहाँ गया है वहाँ से वापस नहीं आ पाएगा, ये आप बताओगे या मैं बताऊँ? यहाँ बकरियों के बीच में रॉकी जरूर शेर बनता था, लेकिन उस जंगल में वो सिर्फ एक मीना है। तुम उसके बारे में फिक्र मत करो चाचा, हो गया, वापस नहीं आएगा। अरे नहीं बे, मुझे रॉकी की कोई चिंता नहीं। जाने से पहले बच्चों को पेड़ा खिला कर गया था, उन्हें बड़ा मस्त रहा। वो कहाँ से खरीदा था बस यही पूछ रहा था। तू उसकी फिक्र मत कर, उसके बारे में आपको पता है। बाइक में जाओ, उन सबको ट्रक में डालो। वो सब पूरा पहन के आया ना वापस। कुल तुम लोग की तरफ आ रहे हैं। हमारी तरफ? हमारी तरफ आने दो, उसको बाहर नहीं जाने देंगे। अगर बाहर नहीं जा रहे हैं, अंदर ही जा रहे हैं। जाने नहीं देंगे, अब जाने नहीं आ रहा है वो। किसका
हिंदी में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। वाह और दुश्मन पेट्रोल पेट्रोल जितनी ज्यादा भरेगी आग उतनी ज्यादा फैलेगी। ये शॉट दे स्लो में चल रहा है ऐसे कैप्चर कर रहा है। वाह मिल चेंज हो गया है। वाह जल्दी जल्दी हो रहा है और ना इसी जंगल के बारे में बता रहे थे ना साहब आप ये अभी कुछ बोल जाना खुदा की कसम जंगल में आग लगने वाली चाय ठंडी हो गई। और छोटो मलाई मार के गरम चाय लेकर आ आज बच्चों को पेड़ा खिलाई देता हूँ कहा मिलेगा भी आ गया फिर जा रहा हूँ ये दोनों अलग अलग जगह दिखा रहा ना वो एक वहां पे था और यहां पे दिखा रहा गांव म्यूजिक तो जबरदस्त है वीडियो में अरे रे 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 पार्टी की जा रहा है भागे बोलो अभी और आया ना ये लोग आगे देख रहे हैं। हाँ यार नमूड़ी आया लोग आपस में लड़ाई करके मार क्या लगते आपस में और एक आदमी कहा मार पाया ना वही सोचते वो खुद ही पहन लिया। पहले ट्रक को यहाँ से निकालो वहाँ इंतजार कर रहे हैं निकल पड़ा लेकिन उसे नहीं पता था कि वो किस रास्ते पे जा रहा है। कुछ पता ही नहीं है कुछ मारने जा रहा है जाके कहाँ पहुँचने वाला दिखा रहे कैसे जानता था कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। सूर्यवर्धन उन ऊंचाइयों पर पहुंच चुका था यहां उसे कोई छू भी नहीं सकता था लेकिन जिस दिन वो गिरा उसके वारिसों की आवाजें उठने लगी। बहुत मेहनत से तूने यह साम्राज्य खड़ा किया है उसे चुनना था। बोल तेरे बाद गद्दी पे कौन बैठेगा या भाई अंधेरा भैया हथियारों की जगह चालाकी और गद्दारी ने ली है तुझे दोनों नहीं आते जैसे तू इतने साल बिना किसी लालच के मेरे पीछे खड़ा रहा
वैसे ही अब तुझे करुणा का साथ। ओहो, उसको नहीं दे रहा, बेटा को ही दे रहा है। भैया ने बोल दिया तो बात खत्म। जब तक करुणा देता है, मैं इस गलती के बारे में सोचूंगा भी नहीं। जब तक जिंदा है, उसको लगा कि भाई वही तो। हाँ, उसका निशाना नहीं चूका। और इसमें दिखा रहा मर गया, लेकिन पार्टों में तो अधीरा आएगा ही। गरुड़ा पूरा साम्राज्य अपने अधिकार में लेकर उसे अपने अनुसार चलाने लगा। वो जानता था कि कई लोगों की निगाहें केजीएफ पर हैं, इसके बावजूद उसने कसम खाई कि जब तक उसका बाप जिंदा है वो चुप रहेगा, उसके बाद वो उन लोगों को मिटा देगा और सब दूंगा। मजा पूरा, फिर से वही इतना डायलॉग है, अलग अलग जगह का सीन्स है और फाइटिंग का भी जबरदस्त हो रहा। अभी तक का सीन्स अच्छा था एंड अभी एक्चुअल और अब तो बाकी है पूरा वही और अच्छा है वो सब। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, अच्छा था दोस्तों। बाइक फाइट सीन और हर एंगल हर शॉट जितना भी यश का था सब वो फोटो जर्नी को बोला सब, माने आप उसका पोस्टर बना सकते हो वैसा एक से एक पूरा था सब, जितना मस्त था सब। जबरदस्त फाइट भी बहुत अच्छा दिखाया दोस्तों, पूरा वो मासी वाला राजेंद्र लाइफ वाला अच्छा लगा फाइट सीन है। लास्ट में वो ट्रक में खुद बैठ भी जाता है, वो उनको वहां से विलन को जो भगाता है वो बहुत मस्त लगता है देखने के लिए, वो भागता वाला पीछे पीछे भाग जाता है। अच्छा था दोस्तों, पूरा भर भर के इसमें डायलॉग्स है, फाइटिंग अच्छा, बीजीएम तो गजब है, पूरा खतरनाक बीजीएम दिया गया है। एंड जो सीन भी हमको ऐसा दिखाता है, एक अलग सा प्रिंट है ये मूवी का, मैं देखा अलग है, अलग है, अलग है। वो और एक अच्छा उसको ये देता है, प्रेजेंटेशन देता है। तो ठीक है दोस्तों, ये तो बहुत अच्छा लगा बाइक सीन। एंड अब तो वो केजीएफ के एंटर कर रहे हैं, अब देखते हैं उसके बाद का क्या सीन है, उसके बाद आपको मालूम है तो और गजब गजब का जबरदस्त पॉपुलर सीन सब है, हम वो भी देखेंगे, अपना रिएक्शन देंगे। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर।